देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कहने को तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, बातें चंद्रयान और मंगलयान की करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी मेरा अभिमान के नारे भी लगाते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर से महज 272 किलोमीटर दूर ही ये अभियान और अभिमान दोनों दफन हो जाते हैं। जहां चलते हैं तो केवल और केवल खाप पंचायत के तुगलक की फरमान। जी हाँ, बेटी अभिमान तुगलक की फरमान। एक तरफ राजधानी में मेरी बेटी मेरा अभिमान के नारे लगते हैं, तो वहीं बूंदी में महज टिटहरी के अंडे फूट जाने पर उसी बेटी को समाज से बाहर निकाल फेंकते हैं। बिग फाइट में आज हम बात करेंगे हमारे सब समाज के दो चेहरों की, बात करेंगे खास मेहमानों के साथ भी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सपनों की राजधानी जयपुर से महज 272 किलोमीटर दूर ये है बूंदी शहर। जिसकी स्थापना सन 1242 ईस्वी में राव देवाजी ने की थी। समय ने भले ही 776 साल का सफर तय कर लिया हो, लेकिन छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी के बाशिंदों का दिल पत्थर हो चुका है और दिमाग को शायद दीमक लग गई है। हाला शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने भी वंश भास्कर में भी शायद इस बूंदी की कल्पना नहीं की होगी, जहां महज टिटहरी के अंडे फूट जाने से समाज अपनी बेटी को ही बेदखल कर दे। जी हां साहब, आप अपने सब समाज की उज्जवल तस्वीर देख लीजिए, जहां मेरी बेटी मेरा अभिमान नहीं मेरा खाप मेरा सम्मान चलता है। हीरापुर गाँव में एक माँ जब अपनी बेटी को स्कूल के लिए छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में नन्हा पैर लगने से टिटहरी के अंडे फूट गए, या फिर कहिए खाप पंचों का अभिमान आहत हो गया। फिर क्या था, भाड़ में गई पढ़ाई और स्कूल। खाप पंचायत में समाज के ठेकेदार इकट्ठे हुए और मासूम को 11 दिनों के लिए सभ्य समाज से बेदखल कर दिया गया। ये बच्चे को मैं स्कूल छोड़ने गए थे ना, जो अंडा फूट गया था, अंडा फूट के बाद में मैंने शाम के टाइम पंचायत करा ली थी। जो पंचायत भी लेकर जो पंचा ने बोला भाई बुधवार ले लेंगे जात में, बुधवार ने पंच कराए जो नहीं लिए, बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला, पंचन भाई ले लेंगे जो नहीं लिए बुधवार के दिन, जो फिर आज जाते लिए 11 दिन गए आज। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी छोटी बच्ची के बारे में भी इस तरह का, यदि कोई पंच पटेलों ने तो कोई आदेश फरमान जारी किया है जिसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कानून में कोई वैधानिकता नहीं है, और इस तरह की बातों के ऊपर हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस बीच फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका निभाते हुए खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में प्रसंज्ञान लिया। चेयरमैन जस्टिस प्रकाश टाठिया ने बूंदी कलेक्टर SP से मामले में 19 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर प्रशासन को मामले की जानकारी कब हुई और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। माना प्रशासन हरकत में आएगा और मासूम को भी न्याय मिल जाएगा, लेकिन समाज के तथा कथित ठेकेदारों की सोच का इलाज कब और कैसे होगा, ताकि फिर कोई तुगलकी फरमान मेरी बेटी मेरा अभिमान की सोच पर हावी ना हो पाए। भवानी सिंह हाड़ा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बूंदी। और चलिए इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य SP सिंह जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुमन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बेहद अहम मामला था और जिस तरह से मामले के जब तह तक पहुंचा गया तो दो एंगल निकल कर सामने आए। हम समझ रहे थे कि सिर्फ अभिशाप ये तुगलकी फरमान जो पंचायत सुनाते वही है, लेकिन ये तो अंधविश्वास का भी मामला साथ में जुड़कर आया। आप जब पहुंचे और आपने जब संज्ञान में लिया इस मामले को, क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, मैंने आपके चैनल पे ही ये खबर देखी थी और तुरंत मैंने फिर SP साहब से बात की। मुझे जो SP के द्वारा जानकारी मिली वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मेरे दिमाग में ये था कि शायद खाप पंचायत का फरमान होगा और बच्ची को ये भुगतना पड़ा, पर जो बातें सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। वो खाप से भी खतरनाक है, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, कि एक चिड़िया का अंडा टूट जाए
उसके बदले में आपकी बच्ची को 11 दिन गांव से बाहर आइसोलेट कर दिया जाए, इससे ज़्यादा दुखदाई नहीं होगी। इसमें यह घटनाक्रम था कि बच्चे को लेके माँ स्कूल जा रही थी, जो आप लोगों ने भी दिखाया, उसके पाँव से वो अंडा टूट गया। वो परेशान हुई, चूँकि एक वातावरण उस गाँव में होगा कि ऐसा होने से परिवार पर कोई संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो इस विपत्ति का समाधान ऐसे होता है कि इसको बाहर करो और उसके बाद दूध का स्नान कराओ, फिर ऐसे करके कुछ विधि विधान करके वापस उस बच्ची को घर लाते हैं। तो उस बातचीत में गांव के लोग भी शामिल हुए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे माँ बाप की मर्जी से ही बच्ची बाहर गई, उस माँ बाप के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने SP को पाबंद किया है कि अगर आपको खापसा इशू नहीं दिखता है, अंधविश्वास भी है, तो उस माँ बाप के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन उस छोटी बच्ची, 11 दिन, वो तो किसी मीडियाकर्मी या किसी के थ्रू ये वीडियो गया और पुलिस उसको रेस्क्यू करके उसके घर छोड़ के आई, अन्यथा पता नहीं उसका क्या हाल होता। तो उस माँ बाप के खिलाफ भी FIR हो। अंधविश्वास का एक संदेश देना, एक नजीर देना बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर डर भी पैदा हो, क्योंकि एक डर जो अज्ञात डर है, जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब उससे कुछ नहीं होता है। वो अंडा फूटा तो फूटा, उस अंडे को माने फूटने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस बच्ची को आइसोलेट करने से बहुत कुछ हो सकता था। SP सिंह जी, बिल्कुल जिस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पर दी, क्योंकि सुमन जी ने यहाँ पर संज्ञान में लिया था इस मामले को। बाल आयोग की अगर बात करें, जिससे आप जुड़े भी हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी और किस तरह से लोगों को पाबंद किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मामले अभी आते हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये मामले आते क्यों हैं बार बार? कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और आपके आयोग की तरफ से क्या इस पर पहल की जा रही है या अब तक किया गया है? इसमें सीधा सीधा अज्ञानता का है, और जैसे भीलवाड़ा है, बूंदी है, ये कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें इनकी कोई वैधिक मान्यता भी नहीं है। जो आदेश देते हैं या फरमान सुनाते हैं उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने, जैसे सुमन जी ने बताया कि सुमन जी ने SP साहब से वो रिपोर्ट तलब की है, वैसे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज ही शाम को एक आदेश निकाले हैं कि बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो, इससे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं आज के आज ही। लेकिन ऐसे मामले केवल और केवल जागरूकता की कमी के कारण देखने में आए हैं, चाहे वो बच्चियों पे डांप की घटनाएं हो, चाहे ऐसे टेहरे के अंडे फूटने की घटनाएं हो, या ऐसे विभिन्न जो बंद होने चाहिए कुरीतियां हैं ये। और इन कुरीतियों को जब आज हमारे समाज में देखने को मिलता है, तो इसमें हम तो इतना ही कर सकते हैं कि जागरूकता में जितनी कमी हमें लेकिन सर फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग, जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, आयोग बने हुए, आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फल फूल क्यों रही है इस तरह की पंचायतें? क्योंकि जब तक पंचायत कोई फैसला नहीं सुनाती, लोगों में डर रहता है, और जो पंचायत कहती है, इस तरह के गाँव में जहाँ पर पंचायत का कब्जा होता है और पंचायत की सब सुनते हैं, वहां पर यही होता है। मिथिलेश जी, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल सर ये उठता है कि क्यों रिपीटेशन होते हैं इस तरह के मामलों के? कहीं अंधविश्वास देखने को मिलता है, कहीं तुगला की फरमान पंचायत का आता है, क्या इस पे लगाम लगाने का कोई रास्ता नहीं है? ऐसे वक्त में पुलिस और कानून भी बिल्कुल बौना साबित होता है ऐसी जगहों पर भी। श्वेता जी, मेरा ये कहना है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ये बताती है कि हमारे जो कैरिकुलम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा कमी है, खामी है, जिसे आज तक नहीं टटोला गया हमारी नीति निर्माताओं द्वारा, हमारे राजनेताओं द्वारा। हम स्वच्छता के लिए अभियान चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास को कैसे मिटाएं, आज तक कोई ठोस नीति या कोई ऐसी पॉलिसी कोई भी सरकार नहीं बना पाई। ये हमारे सबके लिए शर्मनाक घटना है, और इसका मुख्य कारण यही कि हमारे नीति निर्माता गाँव में केवल वोट लेने जाते हैं। वोट लेने के बाद में गाँव की जो बेसिक नीड है, जो वहां जागरूकता की जरूरत है, जो कमी है, उसे भूल जाते हैं। और यही कारण है, गांव से आए हुए नेता भी, सबको पता है गांव में कि टिटेरी के अंडे फूट जाने से महज घर में आफत नहीं आती, एक दूसरी भी उसके साथ अंधविश्वास की कथा जुड़ी हुई है कि बरसात नहीं आती, इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा मिथक है जिसे तोड़ने की जरूरत है। इसमें सबसे जरूरत है कि हम एनवायरनमेंट को समझें। बारिश जब आएगी, जब हम ग्रीन प्लांट लगाएंगे, हरे पेड़ लगाएंगे, लेकिन आज तक हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन का कैरिकुलम है, चाहे उसको आप उठा के देख लीजिए, चाहे NCERT का हो, चाहे स्टेट का हो, किसी भी प्राइमरी स्कूल के जो रूल रेगुलेशन है, उसमें अंधविश्वास भगाएं और विज्ञान को अपनाएं, ऐसा कोई चैप्टर आज तक शामिल नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है जिसे हम नेता केवल बिल्कुल ये बात सही कही मिथिलेश जी आपने, कि खामी है और पता भी है सबको ये खामी है, इसके बाद भी कोई इस पर उतने सख्त नहीं हो पाता है। लेकिन सुमन जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है। कहा यह जाता है कि जिस तरह से मामले जब सामने आते हैं तो महिला आयोग, बाल आयोग को फटाफट एक्शन भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप पहुंचते नहीं है या एक्शन नहीं लिया जाता या मामले दर्ज नहीं होते, लेकिन सख्त कार्रवाई सुमन जी नहीं होती है। और यही वजह है कि खाम पंचायत में इनमें
हमें भी तो खौफ होना चाहिए कानून संविधान का, जिसको ये दरकिनार कर अपनी पंचायत चलाते हैं, अपना रूल चलाते हैं। मैं दो बात रखना चाहूंगी श्वेता जी। जी, अभी जो जैमिनी जी भाई साहब ने कही कि सरकारों का या जो नीति निर्माता है उनका इन सब चीज़ों की ओर दृष्टिगत नहीं होता है, शिक्षा में होना चाहिए, अच्छा सुझाव इनका है। परंतु मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ सती प्रथा बहुत खतरनाक रूप से हमारे अंदर थी, दहेज प्रथा भी बहुत खतरनाक था, बाल विवाह भी बहुत खतरनाक स्थिति में थी, और डायन प्रथा जो अभी रिसेंटली सब कानून बना के हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई सरकारें करती रहती है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के लिए मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले की घटना है, डूंगरपुर एक हमारा आदिवासी बेल्ट है, वहाँ आसपुर एक गाँव है, वहाँ एक महिला को केवल जिंदा इसलिए जला दिया गया था क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया था और उसके परिवार के लोगों ने ही, राजपूत और एक समाज और कोई है उसमें विवाह हुआ था। पर हम लोगों ने, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कोई मैं अपनी शेकी नहीं बगा रही, हम लोगों ने उस गांव में कैंप किया, कैंप करने को दबंगों का गांव था, उस परिवार की बच्ची को जलाने के बाद उसको घर से बाहर भी कर दिया, बेदखल गांव से कर दिया। हम लोगों ने कैंप किया, पुलिस से हेल्प लिया और उसका पुनर्वास भी करवाया, आज वो लोग सुरक्षित स्थिति में अपने गांव में रह रहे हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा, मैं दो एक उदाहरण और सुमन जी, क्योंकि जरूर पेश होना चाहिए। सुमन जी बिल्कुल, आप जिस तरह से मामले भी बता रहे हैं और नजीर, बिल्कुल इस तरह के मामले जब आते हैं सामने तो हम, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसमें मुख्य जो कारण है कि जितने भी ये खाप नेता के लोग होते हैं इनके पास वोट बैंक होता है और नेताओं को वोट से बहुत मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत को निभाने के चक्कर में नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि गांव में वही। बिल्कुल एक अहम बात आपने कही मिथिलेश जी, और ये सवाल भी उठता है और मेरा अगला सवाल भी सुमन जी से इसी को लेकर रहता है, लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे, यहाँ ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि तुगलकी फरमान पंचायत तो सुनाते हैं लेकिन पंचायतों को इतना हक किसने दिया है, आखिर क्यों इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर भी जब इस तरह के मामलों में आत्मविश्वास अंधविश्वास की बात अगर जुड़ जाती है तो समझना होगा कि कितना गंभीर इस तरह के मामले होते हैं जिसके शिकार छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।